नमस्कार, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह थ्रेड सेटिंग किया जाता है ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो सिलाई के दौरान। सबसे पहले आपको थ्रेड स्पिंडल को ऊपर की तरफ खींचना है ताकि वो पूरा बाहर आ जाए। फिर आप उस पर इस थ्रेड स्पिंडल को रख लीजिए इस तरह। अब धागे को आप पहले थ्रेड गाइड के अंदर से डाल दीजिए। उसके बाद आप धागे को टेंशन एडजस्टिंग स्क्रू के बीच में से निकालिए। ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आप इसके ज़रिए अपने सिलाई को हल्का या मजबूत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेंशन एडजस्टिंग स्क्रू का वीडियो भी देख सकते हैं। अब आप धागे को तीसरे थ्रेड गाइड के अंदर से निकालिए। अब आप इस वाले लीवर को ऊपर की तरफ ले जाएं, हैंड व्हील को घुमाकर, और फिर धागे को इस तरह निकालें। इस तरह आप धागे को पांचवे और छठे थ्रेड गाइड के थ्रू डालिए। आखिर में आप धागे को सुई के अंदर से निकालिए। इसके लिए आप हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाएं जब तक सुई ऊपर ना आ जाए। अब आप प्रेशर फुट को ऊपर की तरफ लाइए इस वाले लीवर को खींचकर जो मशीन के पीछे है। ध्यान रखिए कि आप लगभग 10 इंच तक धागे को प्रेशर फुट के अंदर से होते हुए मशीन के पीछे की तरफ ले जाइए। अब आपका थ्रेड सेटिंग पूरा हो चुका है और अब आप तैयार हैं सिलाई के लिए।